या हर मुल्क का ये दस्तूर है कि वो अपने मखसूस हथियार तब के लिए बचा के रखता है जब पानी सर से ऊपर जाने लगे। तो बज़ाहिर सी बात है मैं बदआत्म तो हूँ नहीं पा रहा, मेरी भी यही कोशिश थी कि मैं अपने एटमी हथियार उस वक्त के लिए बचा के रखूँ जब सामीन पर नींद का पूरा गलबा हो। जो इसलिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आप तमाम हजरात का और अलखसूस नौजवानों का कि निसफ शख्स से ज़्यादा गुजर चुकी है और आप हजरात पूरी तरह से ताज़ा दम होकर शुरा कराम को समाप्त कर रहे हैं। इस महफिल के बानी मोहतरम इदरत हुसैन साहब शायद बहरहाल मौजूद नहीं है, वो बराबर हैं, चलिए कोई बात नहीं है, वो सलाम पढ़ा करते हैं कि हैबत अली के शेर की यादा पे छाई है दहशत ज़दा यजीद का हर एक सिपाही, बदनाम बसात बदनिहाद रहीयों के हाथों से खैबर शिकन के लाल ने छीनी तराई। अज़ीज़ाने गिरामी ख़त्म, अली के लाल की बारगाह में उसकी हैबत के साथ साथ एक दूसरी हैबत भी यहाँ मौजूद है। मेरी मुराद है जनाब हैबत खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, माइक पर तशरीफ ला रहे हैं, बुलंद तरीन नारे सलवात के साथ इस्तकबाल कर रहे हैं। जी मैंने कहा था ना आपसे कि मैंने भी अपना एटमी हथियार पूरे वक्त के लिए बचा के रखा था क्योंकि वक्त ज़्यादा गुजर चुका है। अब आप हजरात जनाब हैबत को समाप्त करें, बुलंद तरीन नारे सलवात। भैया बाहर वालों गुजारिश ये है कि जल्दी चले आओ वरना चूक जाओगे। एक बार ऐसी करना है सलवा आप हजरात बेदार हैं, बेदार थे और बेदार रहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ भाई इसका थोड़ा इको कम कर दो, हमें तरन्नुम में नहीं पड़ा। डाउन कर दो थोड़ा सा, डाउन कर दो। हम बेदार कौन हैं और हमारी बेदारी का सबूत ये है कि हमें कब्र में लेटा के इस्माइफम कहा जाता है। सुनो और समझो, ये बाबुल मुराद की दरबार है, यहाँ से सबकी मुरादें पूरी होती हैं, कोई भी इस दर से खाली हाथ नहीं जाता। शोरा हजरात जो आए हैं वो दांत के साथ लिफाफा पा रहे हैं। क्या बात है, दांत के साथ लिफाफा पा रहे हैं, बड़ी बात है, वाह वाह वाह, बड़ी फराख दिली से बात है। जिस प्रकार से भी यहाँ मौजूद हैं कुछ न कुछ पा रहा है, आपकी गुनाहें मिट रही हैं, शोरा दांत के साथ लिफाफा पा रहे हैं, यजीद भी दरबार से ट्रकों पर ट्रक भर के लानते लेके गया। मैं यहाँ से चार मुसा गाजी के बारगाह में पेश करता हूँ, आप थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ जाइए। जो हजरात टेक लगा के बैठे हुए हैं, नहीं आगे आने की ज़रूरत नहीं, वहीं से सुनिए, टेक लगाए रहिए, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ बैठे हैं वहीं से सुनिए। मैं हाजिर करता हूँ कि दुश्मन फातह खैबर से मैं करता हूँ सवाल, दुश्मन फातह खैबर से मैं करता हूँ सवाल, क्या मिला है तुम्हें इस्लाम अधूरा लेकर। दुश्मन फातह खैबर से मैं करता हूँ भाई तीसरा और चौथा बतौर खास हमने आप लोगों को सुन के पढ़ना सीखा है कि दुश्मन फातह खैबर से मैं करता हूँ सवाल, क्या मिला है तुम्हें इस्लाम अधूरा लेकर, भीख में तुमको अता दहर की सुल्तानी हो, आओ अब्बास के चौखट पे कटोरा ले।
से लूले होते हैं, कुछ लोग पैर के लूले होते हैं, लेकिन जो अक्ल का लूला होता है बड़ा खतरनाक होता है। अक्ल के लूले थे और लंगड़े थे फौजे शाम में, कैसे कह दो सूरमा तगड़े थे फौजे शाम में। अक्ल के लूले थे और लंगड़े थे फौजे शाम में, कैसे कह दो सूरमा तगड़े थे फौजे शाम में। और माँ तो थी मौजूद, माँ तो थी मौजूद लेकिन वल्दियत मशकूक थी। माँ तो थी मौजूद लेकिन वल्दियत मशकूक थी। क्या बताऊं किस कदर लफड़े थे फौजे शाम में। अक्ल के लूले थे और लंगड़े थे फौजे शाम में, कैसे कह दूं सूरमा तगड़े थे फौजे शाम में। और माँ तो थी मौजूद लेकिन वल्दियत मशकूक थी। क्या बताऊं किस कदर लफड़े थे फौजे शाम में। हाजिर करते हैं, देखें, देखिए माशाल्लाह इस सरजमीन पर 5 जुहैर हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है 5 जुहैर इस सरजमीन पर। भाई एकदम ही बंद कर दिया आपने। नहीं नहीं चल 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 5 जुहैर हैं, मौला 5 जुहैर को सलामत रखे। लेकिन अभी कितने जुहैर हैं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि एक जुहैर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं हाजिर करता हूँ यहाँ से 4 मिसरा देखें कि लाख रहे हों 7 पयंबर इससे कौनो फर्क नहीं। लाख रहे हो 7 पयंबर इससे कौनो फर्क नहीं, रोजे महशर की गर्मी ये हंस हंस के फरमाएगी। लाख रहे हो 7 पयंबर इससे कौनो फर्क नहीं, रोजे महशर की गर्मी ये हंस हंस के फरमाएगी। और खैज के इनकी खाल फरिश्ते फेंकिए एक दिन दो जख्मा, ये बकरे की बकरी भैया कब तक है। इससे कौनो फर्क नहीं, रोजे महशर की गर्मी ये हंस हंस के फरमाएगी। और खैज के इनकी खाल फरिश्ते फेंकिए एक दिन दोजख मां, ये बकरे की बकरी भैया कब तक खैर मनाएगी। के हाँ वही होते हैं बस महफिलों मजलिस में शरीक, जिसपे अल्लाह पैगंबर का करम होता है। देखिए काफिया जो मैंने यूज किया है वो सऊदी में है, तो शोरा हजरात से माजरत चाहता हूँ। कि हाँ वही होते हैं बस महफिलों मजलिस में शरीक, आखिरी मजमे तक तवज्जो चाहता हूँ। कि हाँ वही होते हैं बस महफिलों मजलिस में शरीक, हाँ वही होते हैं बस महफिलों मजलिस में शरीक, जिस पे अल्लाह पैगंबर का करम होता है। हाँ वही होते हैं बस महफिलों मजलिस में शरीक, जिस पे अल्लाह पैगंबर का करम होता है। अब मेरी बातों पे अमल कैसे करें दुश्मन दी, घी बताओ कहीं कुत्तों को हजम हो। मेरी बातों पे अमल कैसे करें दुश्मन दी, घी बताओ कहीं कुत्तों को हजम होता। के देखिए हजरत सभी का कारनामा अलग होता है। हमारा कारनामा अलग है, नाज़िम मकासिदा दिखाई नहीं दे रहे लेकिन उनका कारनामा अलग है। सबका अपना अपना कारनामा है, हम अपने कारनामे के साथ हैं, लोग अपने कारनामे के साथ हैं। मैं 4 मिसरा हाजिर करता हूँ।
कि सभी के यहाँ कारनामे अलग हैं, सभी के यहाँ कारनामे अलग हैं। काश मुझे सबका नाम मालूम रहता तो मैं अपनी तरफ मुतवज्जो करा लेता आप लोगों को, लेकिन मजबूर हूँ, पहली दफ़ा आपकी बस्ती में आया हूँ, आपका मेहमान हूँ, जैसे चाहिए वैसे सुन लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि हाँ वही होते हैं बस महफिलों मजलिस में शरीक, जिस पे अल्लाह पैगंबर का करम होता है, मेरी बातों पे अमल कैसे करें दुश्मन दी, घी बताओ कहीं कुत्तों को हजम होता है। चार मिसरे यहाँ से देखिए, सबका कारनामा अलग है, मेरा अलग है, आपका अलग है, और लोगों का अलग अलग है, कि सभी के यहाँ कारनामे अलग हैं। वो फूलों में जैसे कि गुड़हल चमेली, सभी के यहाँ कारनामे अलग हैं। वो फूलों में जैसे कि गुड़हल चमेली, सभी के यहाँ कारनामे अलग हैं। वो फूलों में जैसे कि गुड़हल चमेली, और हुसैनी और मुफ्ती का कैसा था काबुल, कहाँ राजा बोझ, कहाँ कहाँ हुसैनी और मुफ्ती का कैसा था काबुल, कहाँ राजा बोध, कहाँ गंगू तेली। हाजिर करते हैं यहाँ से देखे, एक और सलवात का सहारा दे मोहम्मद वाले के भागने वालों को कहते हो बहादुर हैबत, भागने वालों को कहते हो बहादुर हैबत, झूठी तारीख के बल पे न तरक्की कीजिए। भागने वालों को कहते हो बहादुर है बस, झूठी तारीख के बल पे न तरक्की कीजिए। अब कुछ थे बेहुदा सहाबी भी सितारों जैसे, हमें मुंह अच्छा नहीं पर बात तो अच्छी अच्छी कीजिए, मुंह अच्छा नहीं पर बात तो अच्छी कीजिए। देखिए माशाल्लाह यहाँ पर सबके पास अपना अपना खेत होगा और सब जमींदार है, सब किसान है। मैं हाजिर करता हूँ चार मिसरा यहाँ देखे कि हसद के शहर में, पहले ये सुन लीजिए फिर उसको सुनाएंगे, हसद के शहर में खुद अपने फायदे के लिए, और भाई हसद के शहर में खुद अपने फायदे के लिए बचाओ दीन बचाओ का शोर होता है, दीन बचाओ का शोर होता है। हसद के शहर में खुद अपने फायदे के लिए बचाओ दीन बचाओ का शोर होता है। अब फिदक के जिक्र पे है सबको एतराज, कहाँ वही खुजाता है दाढ़ी जो चोर होता है। हसद के शहर में खुद अपने फ़ायदे के लिए बचाओ दीन बचाओ का शोर होता है। अब फिदक के जिक्र पे है सबको एतराज़ कहाँ वही खुजाता है दाढ़ी जो चोर होता है, वही खुजाता है दाढ़ी जो चोर होता है। कि यूँ बेगुनाहों का, देखिए जो मैंने कहा था खेती और किसानी की बात की थी, मैं हाजिर करता हूँ देखिएगा, कि यूँ बेगुनाहों का बहता न खून दुनिया में, यूं बेगुनाहों का बहता न खून दुनिया में, जो दिल में इश्क मोहम्मद की रोशनी होती। यूं बेगुनाहों का बहता न खून दुनिया में, जो दिल में इश्क मोहम्मद की रोशनी होती। और ये तीन बिगहे की खेती का ऐब है वरना, बहता न खून दुनिया में, जो दिल में इश्क मोहम्मद की रोशनी होती।
और ये 3 बीघे की खेती का ऐब है, वरना न बास होता न दाइश की बांसुरी होती। पास होता ना दाइश की बांसुरी होती। कि मुसलमान सारे के जिद पर अड़े हैं, मुसलमान सारे के जिद पर अड़े हैं, परेशान हूं मैं बताते बताते। मुसलमान सारे के जिद पर अड़े हैं, परेशान हूं मैं बताते बताते, और रखी कर जहन में अदावत अली की, तो मर जाओगे सर खुजाते खुजाते। अभी अलम को देख के निगाह टूट जाता है। कोई अभी पेश हो रहा था शेर, इंशाल्लाह अलम को देख के निकाह टूट जाता है। ये निकाह टूटता कैसे मैं ये बताता हूँ, और किस वजह से टूट जाता है ये बताता हूँ, हाजिर करता हूँ। देखिएगा कि एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, थी मोहम्मद की और भी बेटी, थी मोहम्मद की और भी बेटी, कैसी कैसी हदीस गढ़ते। थी मोहम्मद की और भी बेटी, कैसी कैसी हदीस गढ़ते हैं, और टूट जाता है देखकर परचम, इतना हल्का निकाह पढ़ते हैं। थी मोहम्मद की और भी बेटी, कैसी कैसी हदीस गढ़ते हैं, थी मोहम्मद की और भी बेटी, कैसी कैसी हदीस गढ़ते हैं, और टूट जाता है देखकर परचम, इतना हल्का निकाह पढ़ते हैं। टूट जाता है देखकर परचम, इतना हल्का निकाह पढ़। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोदी सरकार ने GST लगाई और चीजों पे लगाई है, लेकिन नारे हैदरी और सलवात पे नहीं लगाई। क्या बात है, बड़ी बात है। आप लोग नारे हैदरी और नारे सलवात का सहारा दे मोहम्मद वाले मोहम्मद से। के अब जो शेर हाजिर करने जा रहा हूं, आप इस शेर को सुनिए भी और मुझे देखिए भी। अगर सुन लेंगे और देखेंगे नहीं तो मुकम्मल नहीं होगा। इसको देखना भी है और सुनना भी है। मैं हाँ पूरी पूरी जंग लड़ूंगा, हाजिर करता हूँ। मैं शेर हाजिर करता हूँ कि दूर है जो अदाए सरवर से, पुर भाई बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ, कि दूर है जो अदाए सरवर से, दूर है जो अदाए सरवर से। देखिए पीछे वाले इंसाफ नहीं कर रहे, मैंने कहा था कि आप मुझे देखिए भी और सुनिए भी, कि दूर है जो अदाए सरवर से, दूर है जो अदाए सरवर से, उनको लादीन कह के फेंकेंगे। दूर है जो अदाए सरवर से, तीसरा और चौथा बतौर खास, दूर है जो अदाए सरवर से, उनको लादीन कह के फेंकेंगे, और हर उदू को फरिश्ते दोजक में 1 2 3। दूर है जो अदाए सरवर से, उनको लादीन कह के फेंकेंगे,
और हर उदू को फरिश्ते दोजख में एक दो तीन फरिश्ते दोजख में एक दो तीन कह के फेंकेंगे। देखिए माशाल्लाह आपकी अंजुमन पूरे हिंदुस्तान में सफ़र करती है और भनौली सादात पूरी दुनिया में आपकी अंजुमन की वजह से और हुसैन के सदक़े में जाना और पहचाना जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भनौली सादात पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। मैं देखिए पहले हुर भाई इल्ज़ाम लगता था कि अंजुमनों को नौहे नहीं पढ़ना चाहिए, सलाम नहीं पढ़ना चाहिए और ये अज़ादारी बहुत हो गई, ये सबीलें बहुत हो गई, इनको बंद करो। लेकिन अफसोस की बात इस वक्त ये है कि हमारे अंदर भी कुछ ये पैदा हो गए हैं जो कह रहे हैं कि अंजुमनों को नौहे नहीं पढ़ना चाहिए, सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, ये अज़ादारी बहुत हो गई, हुसैन के नाम पर ख़र्चा बहुत हो गया, इसको कम करो, ये सही नहीं है। देखिए मैं हाज़िर करता हूँ चार मिसरा, आपकी अंजुमन को नज़र करता हूँ कि नमाज में भी शहादत जिन्हें मिली हैबत, नमाज में भी शहादत चचा, नमाज में भी शहादत जिन्हें मिली हैबत, वही तो फर्श अज़ा का बिछा के बैठे हैं। नमाज में भी शहादत जिन्हें मिली हैबत, वही तो फर्श वेला का बिछा के बैठे हैं। नमाज में भी शहादत जिन्हें मिली हैबत, वही तो फर्श अज़ा का बिछा के बैठे हैं। अब पसंद उनको नहीं अंजुमन के नौहे सलाम जो कुछ गधों की कमेटी में जा रहे हैं। शहादत जिन्हें मिली हैबत, वही तो फर्श अज़ा का बिछा के बैठे हैं। अब पसंद उनको नहीं अंजुमन के नौहे सलाम जो कुछ गधों की कमेटी में जाके बैठे हैं। पसंद उनको नहीं अंजुमन के नौहे सलाम जो कुछ गधों की कमेटी में जाके बैठे हैं। हाजिर करता हूँ कि जिन्हें मुश्किल कुशा का जिक्र इस दुनिया में खलता है, अगर सच्चाई हो तो आमीन जरूर कहिएगा। जिन्हें मुश्किल कुशा का जिक्र इस दुनिया में खलता है, खुदारा ऐसे लोगों का बड़ी मुश्किल से दम निकले। जिन्हें मुश्किल कुशा का जिक्र इस दुनिया में खलता है, खुदारा ऐसे लोगों का बड़ी मुश्किल से दम निकले। और चले बज़्मे मोहम्मद से जनाबे शेख ये कहकर बड़े बेआबरू होकर दे। खुदारा ऐसे लोगों का बड़ी मुश्किल से दम निकले। और चले बज़्मे मोहम्मद से जनाबे शेख ये कहकर बड़े बेआबरू होकर तेरे ऊंचे हम निकले। मैं हाजिर करता हूँ यहाँ से, देखें कि बने हैं आज वो मुफ्ती, अरे माज़ल्ला, बने हैं आज वो मुफ्ती, अरे माज़ल्ला, सदा जो करते रहे काम तबला ढोलक का, बने हैं आज वो मुफ्ती, अरे माज़ल्ला, सदा जो करते रहे काम तबला ढोलक का, और न लुत्फ़े ज़िक्र अली उनसे पूछे हैबत, बता न पाएंगे बंदर स्वाद अदरक। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, देखिए
लोग कहते हैं ना कि ये आदमी जो है दाने दाने का मोहताज हो गया। मैंने एक नई चीज़ कही है, अगर पहुंचा ले जाऊं तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। मैं हाजिर करता हूं, दाना दाना दाने दाने का मोहताज, इस मफहूम को आप अपने ख्याल में रखिएगा। मैं हाजिर करता हूं कि भीड़ थी बदमे खिलाफत में कलाकारों की, भीड़ थी बदमे खिलाफत में कलाकारों की, लूट कर दिरहमो दीनार ही घर आते थे। भीड़ थी बदमे खिलाफत में, तीसरा और चौथा बतौर खास हाजिर करता हूं कि भीड़ थी बदमे खिलाफत में कलाकारों की, लूट कर दिरहमो दीनार ही घर आते थे। और वक्त देखो ये गनीमत वो गनी बन बैठे, वक्त देखो ये गनीमत वो गनी बन बैठे, बीड़ी बीड़ी के जो मोहताज लगाए। गनी बन बैठे, बीड़ी बीड़ी के जो मोहताज नजर आते थे, बीड़ी बीड़ी के जो मोहताज नजर आते थे कि मुड़ाकर मूछ रखते हैं, मुड़ाकर मूछ रखते हैं, ये दो दो हाथ की दाढ़ी, मुड़ाकर मूछ रखते हैं, ये दो दो हाथ की दाढ़ी, कहे इंसान कैसे जानवर से भी ये बदतर है, कहे इंसान कैसे जानवर से भी ये बदतर है। और अली के बुग्ज में चेहरे पे इनके लिख गई लानत, अमा हाफिज नहीं ये सब अजायब घर के बंदर है। आदर करते हैं, बेहतरीन सलावत पढ़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद एक ऐसी सलावत पढ़िए कि मुझे ये यकीन हो जाए कि आप लोग कंजूस नहीं हैं। कि कुछ सहाबी थे जो गदीर के दिन, बहुत नाजुक चार मिसरा हाजिर कर रहा हूं, कि कुछ सहाबी थे जो गदीर, थके तो नहीं है आप, अगर थक गए हो तो मैं अपनी जगह ले लूं। कि कुछ सहाबी थे जो गदीर के दिन, कुछ सहाबी थे जो गदीर के दिन गम के मारे दिखाई देते हैं, कुछ सहाबी थे जो गदीर के दिन गम के मारे दिखाई देते हैं, और खुम में ऐलान सुन के अंधों को दिन में तारे दिखाई देते हैं, खुम में ऐलान सुन के अंधों को दिन में तारे दिखाई देते हैं। ये आखिरी चार मिसरा, उसके बाद एक मतलब दो तीन अशार मैं अपनी जगह ले लूंगा। हाजिर करते हैं, देखें कि देख के हम सबका किरदार, देख के हम सबका किरदार, कहे फरिश्ते ये हर बार, देख के हम सबका किरदार, कहे फरिश्ते ये हर बार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। देखिए, अगर आपको अपने मातमी होने पर फख्र महसूस हो तो मुझे दाद दीजिएगा, मैं हाजिर करता हूं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बच्चों के लिए हाजिर कर दूं, कि इसका मतलब ये है कि जो चमकदार तारे हैं आसमान में उसको कहते हैं टिमटिमाते हुए तारे। देखिए, ऊपर से जब हम नीचे से जब हम देखते हैं तो हमें तारे दिखाई देते हैं, और जब ऊपर वाले नीचे देखते हैं तो जितने मातमदार दिखाई देते हैं वो तारों की तरह दिखाई देते हैं। मैं हाजिर करता हूँ शेर चार मिसरा, उसके बाद एक मतला दो तीन अशार, फिर जहमत तमाम कर दूंगा। कि देख के हम सबका किरदार, कहे फरिश्ते ये हर बार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उससे बढ़िया मातमदार। देख के हम सबका किरदार, कहे फरिश्ते ये हर बार, ट्विंकल
बढ़िया मातम दा। आइए, सबसे छोटी बहर शायरी की एक बहर होती है फायलातुन फायलातुन फायलात। मैं हाजिर करता हूँ। देखिए, जिसने भी मौलाए कायनात का नाम इमाम फरमाते हैं कि जिसने भी सिर्फ अली वरक पर लिख दिया तो उसका जन्नत में घर तैयार होता है, अगर अकीदत के साथ लिखा गया हो। मैं यहाँ से एक मतला और दो तीन अशार हाजिर करता हूँ, उसके बाद ज़हमत तमाम। कि हो अकीदे में भला क्या इसकी बात, हो अकीदे में भला क्या इसकी बात, फायलातुन फायलातुन फायलात। हो अकीदे में भला क्या इसकी बात, फायलातुन फायलातुन फायलात। और गार की तारीख में लिखा गया, गार की तारीख में लिखा गया, गार की तारीख में लिखा गया, सहाबातुन रोए जातुन वाक्यात। वो अकीदे में भला क्या इसकी बात, वो अकीदे में भला क्या इसकी बात, फायलातुन फायलातुन फायलात। गार की तारीख में लिखा गया, सहाबातुन रोए जातुन वाक्यात। अब कहते हैं किस्सा न खैबर का पढ़ो, कहते हैं किस्सा न खैबर का पढ़ो, रोज जातुन भाग आतुन वाहियात। कहते हैं किस्सा न खैबर का पढ़ो, कहते हैं किस्सा न खैबर का पढ़ो, कहते हैं किस्सा न खैबर का पढ़ो, रोज जातुन भाग आतुन वाहियात। कहते हैं किस्सा न खैबर का पढ़ो, रोज जातुन भाग आतुन वाहियात। और जो कहे काफिर अबू तालिब तुम्हें, उनसे आतुन जूती आतुन से हो बात। जो कहे काफिर अबू तालिब तुम्हें, उनसे आतुन जूती आतुन से हो बात। और क्यों न थे, क्यों न थे, क्यों न थे अहमद की मैयत में शरीक, क्यों न थे अहमद की मैयत में शरीक, उमरियातुन उस्मानातुन बकरिया। ज़ाहिर सी बात है कि जनाब अहमद राजपूरी साहब आपके मौजूद हैं और नहायत खूबसूरत अशआर से आप तमाम हज़रात को नवाज़ मैंने